वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरे हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मोमो और साथ में स्पाइसी मोमो चटनी एंड मोमो सूप। मोमोज के नाम आते ही हमें से बहुतों को ऐसा लगता है कि मोमोज बनाना जो है बहुत डिफिकल्ट है और शायद बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी मोमोज जो है परफेक्ट बनकर नहीं आएंगे। लेकिन ट्रस्ट में मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप कम टाइम के अंदर बहुत ही परफेक्ट मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। परफेक्ट मोमोज बनने के लिए बहुत ज़रूरी है इसका जो आउटर लेयरिंग है वो थिन बने। इसके लिए डो को जो है बहुत परफेक्टली हमें नीट करना है और उसका फिलिंग जो है बहुत परफेक्ट बनना होता है। तो परफेक्ट मोमोज बनाने के लिए मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी, आप उनको फॉलो करते हुए घर में बहुत आसानी से बहुत ही परफेक्ट मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैदा लिया है मैंने लगभग 1 कप, नमक ले लिया है मैंने स्वाद के हिसाब से, तेल ले लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून। तेल को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे हल्का सर्व करते हुए। मोमो का डो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे गुनगुना पानी, इससे डो जो है बहुत सॉफ्ट बनता है। मैंने यहाँ पे अराउंड 1/2 कप पानी यूज़ करते हुए एक नॉर्मल सा डो बना लिया है। अब इस डो को हम इस तरह से रब करते हुए ऑलमोस्ट 3 मिनट तक नीट करेंगे और अब हम इसको डो को कवर करके लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। अब हम बनाएंगे मोमो का फिलिंग। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लिया है। इसमें ऐड किया मैंने चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ अदरक, चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज, हल्का सा सॉटे करेंगे, चॉप किया हुआ अनियन भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसको हाई फ्लेम पे हम स्टर फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमेशा हाई रखना है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया चॉप किया हुआ गाजर, चॉप किया हुआ कैबेज, फाइनली चॉप किया हुआ बीन, नमक स्वाद के हिसाब से, चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और सोया सॉस। यहाँ पे फ्लेम को हमें हाई रखना है और मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाना है। अब मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को 1 टेबलस्पून पानी के साथ मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया और हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट तक स्टर करते हुए पकाना है। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। सबसे एंड में मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून बटर, इससे फिलिंग जो है बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत जूसी बनेगा। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडे होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम आटे को वापस थोड़ी देर के लिए इस तरह से रब कर लेंगे और इनको छोटे छोटे बॉल्स का पीसेस हम बना लेंगे। अब इस तरह से छोटा सा बॉल बनाकर हम इसको रोल करेंगे। यहाँ पे हम रोल करने के लिए थोड़ा सा ऑयल का यूज़ करते हैं। इस तरह से रोल करते हुए हम इसको बहुत ही कोशिश करेंगे बहुत पतला इसको बेलने का। एजेस के तरफ हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करते हुए रोल करेंगे। जितना पतला बनेगा हमारा मोमो उतना अच्छा टेस्टी बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे फिलिंग। फिलिंग को हम बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। इस तरह से हम रैप करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको पीछे की तरफ दबा देंगे। डो लिया है हमने उसमें से अराउंड 15 मोमोज बन के आएंगे। इस तरह से मैंने सारे मोमोज को शेप दे दिया है।
यहाँ पे मैंने इडली प्लेट्स का यूज़ किया है। प्लेट्स को मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और फिर प्लेट के अंदर मोमोज को मैंने प्लेस कर दिए हैं और कंटेनर में पानी अच्छे से उबल जाने के बाद हम उसमें इस इडली स्टैंड को प्लेस कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। हमें मोमोज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 10 मिनट के लिए ही पकाना है। 10 मिनट के बाद हम कवर को निकाल के मोमोज को प्लेट में सर्व करेंगे। ये लेयर्स जो है देखिए बहुत ही थिन बनकर आया है। अब हम बनाएंगे स्पाइसी मोमोज का चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कश्मीरी रेड चिलीज और उनको मैंने स्टेम निकाल लिया है और बीच में से इसको स्लिट करके मैंने इसमें से सारे सीड्स निकाल लिए हैं। इससे चटनी जो है लेस स्पाइसी बनता है। अब एक पैन में मैंने रेड चिलीज को ले लिया और ले लिया मैंने रफली चॉप किया हुआ एक अनियन। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया और पानी को हम बॉईल करने देंगे। इसको कवर करके हम ऑलमोस्ट 20 मिनट तक पकाएंगे जब तक रेड चिलीज जो है टेंडर हो जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम पानी में से ड्रेन करके ठंडा होने के बाद इसको एक ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें मैंने ले लिया चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ अदरक। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है। हमने मिक्सर के जार को धोकर अराउंड 1 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड कर दिया और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक रेड चिलीज का एक रॉ स्मेल निकल जाता है। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया और ये कश्मीरी रेड चिलीज है इसलिए ये तीखा नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सोया सॉस और इसको मीडियम फ्लेम पे अराउंड 8 से 10 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। जब इसमें से तेल बाहर निकलने लगे तब हमारा चटनी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे मोमो सूप। इसके लिए मैंने 1/2 टेबलस्पून तेल को गरम कर लिया और मैंने यहाँ पे ऐड किया चॉप किया हुआ कैबेज, चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोया सॉस यूज़ किया और जो हमने मोमो का फिलिंग बनाया था उसमें से 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया और हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे। नमक मिला दिया मैंने स्वाद के हिसाब से और यहाँ पे ऐड किया मैंने 1.5 कप पानी। आप जितना अमाउंट बनाओगे उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। अब इसको हम बॉयल होने देंगे और ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया। अब हाई फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। इस तरह से हमारा मोमोज का चटनी और सूप तीनों बनकर तैयार है बहुत ही आसानी से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।